हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में फिर से बात करेंगे सीईटी को लेकर, एक नई अपडेट को लेकर। हरियाणा के सीईटी पास उम्मीदवारों ने जो ट्विटर की मुहिम चलाई थी, एचएसएससी की ग्रुप सी के पदों पर सभी पास को क्वालिफाई किया जाए, इस मुहिम के बारे में आज सोनीपत में जुटेंगे स्टूडेंट्स। कई यूट्यूबर भी मुहिम में शामिल और सीईटी क्वालिफाई करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर। अगली जो सुनवाई है वो होगी आपकी 8 मई को। 2019 से सीईटी के नाम पर ये दीपेंद्र हुड्डा जी ने क्या किया है, ट्वीट किया है यहाँ पे। 2019 से सीईटी के नाम पर भर्तियों को लटकाया जा रहा है, 2 लाख पद खाली पड़े हैं। सरकार ने चुनाव आते देख सिर्फ 32,000 पदों पर भर्तियां निकाली, लेकिन उसमें भी सभी सीईटी पास को अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों? जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पास करने वालों को एलिजिबल क्यों नहीं माना जा रहा? बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने क्लियर किया है तो आपका मेंस का एडमिट कार्ड आना ही आना चाहिए एट एनी कॉस्ट। और इसी जब तक यहाँ से हमारा हाईकोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभय चौटाला ने भी मुहिम को सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत सारे जो मिनिस्टर हैं हमारे वो हमें सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि सीईटी क्वालिफाई हो। तो आपने जो ट्विटर पे मुहिम चलाई थी उसके लिए आज सोनीपत में सब लोग इकट्ठे होंगे। खिलाड़ियों को ग्रुप सी की नौकरियों में 3 अन्य विभागों में भी मिलेगा आरक्षण। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में। जनसंवाद कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से किया गया आग्रह इस चीज़ के लिए। क्वालिफाई क्यों हो, युवाओं ने दैनिक सवेरा को यह लिखकर भेजा। क्वालिफाई क्यों हो, देखो 3.57 लाख युवा जो हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो क्वालिफाई कर चुके हैं सीईटी। तो अब आप आगे ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ हम 4 गुना को बुलाएंगे। मान लो कि किसी भी कैटेगरी में अगर पोस्ट 50 हैं और 200 बच्चों को बुलाया तो 200 बच्चे तो वहीं पूरे हो जाएंगे 70 और 80 वाले। तो जिन लोगों का क्वालिफाई है उनको भी बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। ये कोर्ट में देखेंगे क्या 8 मई की तारीख है तो क्या फैसला होता है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की कुछ मांगे मानी तो अधिकतर को टाल दिया। इसका मतलब क्या है कि अप्रैल के मास डेप्यूटेशन व यमुनानगर में चल रहे कार्मिक अनशन के चलते हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अध्यापक संघ को बातचीत के लिए बुलाया है और अध्यापक संघ के साथ साथ कई और भी शिक्षक संगठनों को बातचीत का न्योता दिया है, जिसका अध्यापक संघ ने विरोध किया और वह मीटिंग का बहिष्कार कर लौटा है। अध्यापक संघ के विरोध के चलते शिक्षा मंत्री को अलग से उनके शिष्टमंडल के साथ बैठक करनी पड़ी। इनमें कुछ मांगों को मान लिया गया और कुछ मांगों को नहीं माना गया। ये न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बाकी वीडियो स्पेशलाइजेशन फॉर द सीईटी क्वालिफाई और ट्विटर पर जो मुहिम चल रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, अपना कंट्रीब्यूट करिए। और आज सोनीपत में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो आप भी वहां पर इन्वॉल्व रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। एंड इफ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर अपडेट रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, आई विल ड्रॉप डाउन द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो सो दैट यू कैन ईजिली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।